हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख लीजिए यहाँ पे केवल ट्रेपिड ड्रेसिंग किए हैं और केवल ट्रेपिड ड्रेसिंग करके पैनल पे हम लोग जो एंट्री किए हैं वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पैनल में जो केवल एंट्री हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किए हैं। इसमें सारे केवल पे ग्लैंड लगा के आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने ग्लैंड लगाया है वो फिनिशिंग आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक ही केवल पे जो ग्लैंड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस ढंग से, आपको इधर ऊपर से देख लीजिए आपने, चिकनट भी हमने पूरा फुल टाइट करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है। इसमें बहुत काफ़ी केबल आया हुआ था लेकिन तब भी हमने कोशिश किया है कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके फिनिशिंग करने के लिए, अच्छा से अच्छा हम लोग फिनिशिंग किया है। और ये देख सकते हैं जो इनपुट हमारा PLC में इनपुट के लिए और ये 24 वोल्ट आउटपुट के लिए है, और येलो वाला जो है ये DO के लिए है, किसी को कमांड देने के लिए, ये वायरिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो है कमांड देने के लिए है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और ये दोस्तों ये हमारा रिले बोर्ड है जिससे DO के लिए जो हम लोग पोटेंशियल फ्री पॉइंट रिले यूज करते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 चैनल का है। और ये PLC हो गया हमारा, और इसमें देख सकते हैं और भी एडोन मॉड्यूल लगा हुआ है CPU के अंतर्गत में, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा एडोन मॉड्यूल लगा हुआ है DO का, ये देख सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कि DO लिखा हुआ है, इसमें आपको DO मॉड्यूल एडोन है। और ये हमारा MCB है जो इस पैनल पे इनपुट के लिए है, ये SMPS से इनपुट लेके हम लोग PLC को देते हैं। इसके बीच में एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग MCB लगाए हैं एक, और यहाँ पे देख लीजिए इस ढंग से किया हुआ है दोस्तों। फाइनली अभी इसमें टर्मिनेशन होगा तो एक वीडियो आपको बना के देंगे, वो आप लास्ट में मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगर जो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू दोस्तों।